सुरंग भी है ही अंदर से जिसमें हम चल के आए हैं। सेना ही थी सिर्फ, आर्मी का चेक पोस्ट था, आर्मी का चेक पोस्ट था ना। एक तरह कभी अटैक हो जाए तो राजा यहाँ पे आया करते थे। तो कठपुतली वाला शो चला, सर्दियों में गर्म गर्मियों में ठंडा। हाँ ठंडा है बिल्कुल। एक चीज़ काफ़ी अजीब लगी मुझे, जयगढ़ फोर्ट, ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी। आमेर फोर्ट इतना बढ़िया, इतना अच्छा, उसके अंदर वीडियो बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। जयगढ़ फोर्ट में वीडियो बनाने के लिए 200 रुपये चार्जेस अलग से है, राइट। उस पर कोई स्टूडेंट वो नहीं, कोई कंसेशन नहीं। 200 रुपये प्लस 40 मेरे स्टूडेंट वाले कार्ड लगा के लगे, तो 240 रुपये आपके चार्ज लगे, राइट। सारा मिला के वीडियो बनाने के लिए 240 आपको देने पड़ेंगे वीडियो बनानी हो तो, वरना आपके नॉर्मल जो चार्ज है वही लगेंगे 80, और स्टूडेंट हो तो 40 ऐसे करके। सो अब हम जा रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं अंदर जयगढ़ फोर्ट में। इसमें वीडियो के लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है, ये चीज़ है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। सो इसका जो मेन यूज़ था ना, इसको बेसिकली आप देख सकते होंगे, ये है जयगढ़ फोर्ट। इसका मेन रीज़न था किले की, जो आमेर फोर्ट था उसकी घेराबंदी करना, यानी कि उसकी प्रोटेक्शन करना, वो इसका मेन रीज़न था कहीं ना कहीं। तो उसी के लिए यहाँ पर बनाया गया था इसको, जयगढ़ फोर्ट को, और उसी की वजह से वो सुरंग है जहाँ से हम यहाँ पे आ रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे इसमें दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। तो चलिए देखते हैं और क्या है इसमें ऐसा जो इसमें 200 रुपये वीडियो चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ कुछ जगहें हैं जो कि बंद की हुई है, ताला लगाया हुआ है, वो चीज़ है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इस जगह का नाम, जहाँ आगे बढ़ रहे हैं, इसका नाम है लक्ष्मी विलास, राइट। लक्ष्मी विलास है ये, देखते हैं यहाँ क्या है। आपको सारे में देखो खाली खाली सा मिलेगा। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे मेनली जो आर्मी वगैरह थी उनका यहाँ पर सिनेरियो होता, तो आर्मी वगैरह का यहाँ पर रहना, उन सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें थी। अब जैसे कि इसको देख के भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये कोई राजाओं के बैठने की जगह हुआ करती होगी, राइट। कोई ना कोई यहाँ राजा वगैरह बैठते होंगे, शायद कुछ कमांड करते हों अपनी आर्मी को या जो भी है। सेना ही थी सिर्फ, आर्मी का चेक पोस्ट था, आर्मी का चेक पोस्ट था ना एक तरह से। लड़ाई समय होता है, लड़ाई समय यहाँ पे आया करते। अच्छा अच्छा, जैसे सामने वो तीन गेट देखे। अच्छा दीवानी खास था। अच्छा वो दीवानी खास जहाँ वो टूटे हुए से वो पड़े अंदर, तीन गेट पड़े वहाँ कुछ सामान से है। नहीं वो तो पब्लिक मीटिंग था, वो कूलर लकड़ी के। हाँ हाँ, कूलर लकड़ी, कूलर आदमी से हाथ से चला लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इनके कमरे बने हुए बेडरूम होते हैं, बेडरूम वगैरह सामने वाले ये कमरे बने हुए। अच्छा, पहले जमा होता था स्टीम होता था पहले। अच्छा, इसके बाद इसमें तो लकड़ी और गन पड़े थे, हमाम बोलते थे, हमाम ये हमाम है नहाने का, नहाने का फोर्ट तो था ही। आर्मी छावनी थी, छावनी थी, रानी जैसे यहाँ से आ जाया करती थी सामने से कभी कभी। कभी अच्छा से अच्छा, इसलिए राजा को याद होगा वो चीज़। सो बेसिकली यहाँ पर जयगढ़ फोर्ट का मेन जो सिनेरियो है वो यही है कि आर्मी से रिलेटेड यहाँ पर इसका मेन रीजन है। अच्छा, पहले के जमाने में लाइटिंग होती थी ना। हाँ जी, तो कठपुल का पॉपर डांस हुआ करता था। अच्छा, तो सामने जैसे नीचे राजा बैठता था, ऊपर उनकी रानी बैठती थी, सामने था पॉपर थिएटर, पॉपर थिएटर कठपुतली वाला शो।
अच्छा कठपुतली वाला शो चला करता था यहाँ। हाँ नीचे राजा ऊपर रानी। अच्छा ऊपर रानी नीचे राजा ये है। आज गाँव गए आए नहीं आज अगर कोई फंस भी जाए तो पकड़ लेते बाहर नहीं जा पाता था। अच्छा इसमें बुलबुले टेप बना हुआ है। सही बात है कहीं ना कहीं से पकड़ा ही जाएगा। ये इनका भोजनशाला है। अच्छा यहाँ के राजा थे इनका नाम था मिर्जा जय सिंह। मिर्जा जय सिंह ये वाले। अच्छा इनका मिर्जा जय सिंह नाम था। ये होते होते थे जागीरदार पे लगान से लगान वसूली। अच्छा इनकम बोलते थे लगान बोलते थे ये लगान लिखा देते ये। अच्छा ये वाले और ये मैं राजा मिर्जा जय सिंह था। अच्छा जो यहाँ बैठे हुए हैं बाकी और लोग होंगे तो यहाँ खाना खाते थे सारे बैठ के। तो ये राजा यहीं रहते थे क्या ज्यादातर? नहीं बात समझे नहीं कभी कभी जैसे इमरजेंसी जैसे अटैक हो गया उस टाइम के लिए। सही कह रहे नहाना भी होगा। किचन है ये किचन है पूरा किचन। ये क्या थी पूरा किचन ही। अच्छा ये पूरा किचन ही है ना पूरा ये इतना बड़ा यहाँ देख सकते होंगे ये पूरा किचन ही है। सही बात है पूरा यहाँ पे किचन का वेजिटेरियन किचन काफी बड़ी है। तो मेन चीज़ ये है कि अगर कभी अटैक हो जाए तो राजा यहाँ पे आया करते थे तो उसी के लिए यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं जैसे कि आप देख सकते होंगे। ये रानियों के खाना खाने की जगह थी यहाँ रानियाँ खाना खाया करती थी जैसे कि आप देख सकते होंगे यहाँ पे दिखाई भी गई हैं। अच्छा आपने आमिर देखा नहीं देखा पहले बताओ मेरे को। आमिर देख लिया देख लिया। हाँ जी उसका यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा पूरा व्यू दिखाऊंगा यहाँ से आमिर का। सही बात है वो देखो ये सामने का ये समर पैलेस था रहने का गर्मी का कालीन निवास था ये। अच्छा तो रात देखो रानी का बेडरूम ये होता था राजा का बेडरूम होता था बात पता है होता था। अच्छा रानी का ये राजा का ये चीज़ है दोनों के सामने सामने मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था बना रखी है। पूरी व्यवस्था व्यवस्था पूरी है कि अगर कुछ भी परसेंट वहाँ पे अटैक हो जाए तो यहाँ पे आके रह सकते हैं आराम से। और सुरंग भी है ही अंदर से जिसमें हम चल के आए हैं। अच्छा ठंडी है उसकी दाल मेथी। अच्छा मुल्तानी मिट्टी कोडी राइस सर्दी गर्मी पड़ेगी ना ठंड रहेगा सर्दी गर्म रहेगा। अच्छा सर्दियों में गर्म गर्मियों में ठंडा। हाँ ठंडा है बिल्कुल। हाँ इन चीज़ों और कितना चिकना है। हाँ और आज भी ऐसा ही है ऐसे ही है। बताओ क्या बढ़िया और मजबूत है उस टाइम पे भी क्या बढ़िया टेक्नोलॉजी रही होगी गाइस सोचिए क्या दिमागदार लोग थे। चलो मोबाइल में हिलती है मोबाइल इसमें स्टेबलाइजेशन है ये ऐसी बनेगी जैसे टी वी पे। देखो वहाँ पे वो राजा बैठता था इधर देख रहे आपको सामने ये वाला। अच्छा और बीच में जो गोल चक्कर है ना यहाँ पे डांस होता था। अच्छा यहाँ डांस होता था मैं जैसे अपने समझ पहले के जमाने में पहले के जमाने में राजे बाजीराव मस्ताना है बेटा है हम राजे तो ये यहाँ पे राजा बैठ के यहाँ पे नृत्य वगैरह होता था उसे देखता था ये चीज़ है। ये देखो बंदूक फायरिंग के लिए बने बंदूक के लिए। सही बात है यहाँ से सिपाही बैठ के अपना फायरिंग करता फायरिंग कर सके तीरंदाज हो गए बंदूकें हो गई वो सब चीज़ें। यहाँ पर सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा बनाया गया है जैगर्ड फोर्ट हर चीज़ का यहाँ ध्यान रखा गया है। अच्छा यहाँ से आमिर फोर्ट दिखता है आमिर तो यहाँ से पूरा आमिर फोर्ट दिखाई दे सकता है जैसे कि आप देखते होंगे देख सकते होंगे ये पूरा आमिर फोर्ट है। वो गाय दुनिया की सबसे बड़ी तोप जो रखी है वो भाई जयवान कहाँ है भैया जयवान ऊपर ऊपर हो जाना है बता रहे देखो तो उसी का नाम यहाँ पर बताया है जयवान उस तोप का जो दुनिया की सबसे बड़ी है तो देखने के लिए हम जा रहे हैं तो देखने के लिए चलते हैं जयवान दुनिया की सबसे